रुक जाइए रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती, शादी नहीं हो सकती। बात क्या इंस्पेक्टर साहब, विडुआ ने जबान खोला? हाँ उसने जबान खोल दी है। क्या बोला उसने? आपके पिताजी को मरवाने के लिए श्वेता ने ही वीरू को भेजा था। श्वेता को मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया माता जी, झूठ बोल रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माता जी, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मेरी शादी रुकाने की साजिश है माता जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। श्वेता ऐसा नहीं कर सकती है। आप ही तो बीरू को थाने लेकर आए थे ना सच उगलवाने के लिए। हाँ तो अब क्या हुआ? जब सच बोल रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा है। श्वेता ने ही उसे गहने देकर विंध्याचल बाबू को मारने को कहा। अरेस्ट करो उसे। एक मिनट दरोगा जी, हमको श्वेता से बात करने दीजिए। श्वेता बेटा, दरोगा जी क्या कह रहे हैं? ये सब कहा है? मुझे नहीं पता आंटी जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी साजिश है मुझे फंसाने की। ये नहीं चाहते कि मेरी और माता जी की शादी हो। मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है आंटी जी। आपको मुझ पर यकीन है ना आंटी जी? दरोगा जी, श्वेता बिल्कुल सही कह रही है। ये श्वेता के खिलाफ षड्यंत्र है, उसे फंसाया जा रहा है। हम आपसे कह रहे हैं, हमारा बात मानिए, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए और फिर आइए। सबूत है मेरे पास, सबूत है मेरे पास। देखिए नीला देवी जी, कानून को अपना काम करने दीजिए। बाकी आपको जो भी बोलना है थाने में आके बोलिएगा, थाने में आके बोलिएगा। गिरफ्तार करो उसे। माता जी, मैंने कुछ नहीं किया। माता जी मुझे बचाई ना। माता जी, मैंने बोली ना, झूठ बोल रहे हैं, मुझे फंसा रहे हैं। माता जी, आंटी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। माता जी, आपको तो मुझ पे यकीन है ना। माता जी बोली ना। माता जी, माता जी, आंटी आप बोलिए ना। आंटी
आपके पिताजी को मरवाने के लिए श्वेता ने ही वीरू को भेजा था। इंस्पेक्टर साहब बैठिए। हम यहाँ पे बैठने के लिए नहीं आए हैं। किस सबूत के आधार पर आप श्वेता को पकड़ कर लाए हैं? वैसे तो सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है, पर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हवलदार, इसके पास कैसे आए? खानदानी गहने? इतना ही नहीं, वीरू का कहना है कि श्वेता की शादी में उनके ससुर विंध्याचल जी ही रुकावट बने हुए हैं, इसी की वजह से उनको मारने की सुपारी श्वेता ने उसे दी थी। अरे कैसा बात कर रहे हैं दरोगा जी? अरे वो कोई अपराधी है जो ऐसा करेगी? अरे शहर में पली बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है, वो शरीफ खानदान से है। कुछ बोलेंगे आप? एक बात का ध्यान रखिए, इन सब चक्कर में ना आप अपने तथ्यों से भटक रहे हैं। ऐसा ना हो कि असली अपराधी हाथ से निकल जाए। और आप किसका बात का विश्वास कर रहे हैं? एक टुच्चे से बदमाश का, वीरू का, वो बोला और आप मान लिए कि श्वेता अपराधी है। हा? दीदी सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब, समय बर्बाद मत कीजिए, असली अपराधी को ढूंढने की कोशिश कीजिए। हो ना हो श्वेता को फंसाने की साजिश की जा रही है। हमारी श्वेता ऐसी नहीं है। हम सबूतों के आधार पर काम करते हैं और हमारे पास श्वेता के खिलाफ ठोस सबूत है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि ये गहने किसी ने प्लांट किए हैं और उसी के इशारे पर वीरू काम कर रहे हैं? चलिए आपकी बात एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं, पर आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि ये गहने प्लांट किए हुए हैं? माता जी, आपको मुझ पर यकीन नहीं? माता जी बोलिए, माता जी, आंटी जी, आपको भी ऐसा लगता कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा? आंटी जी मेरे यकीन कीजिए, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप ही बताइए, माता जी से मेरी शादी हो रही थी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आंटी जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माता जी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माता जी, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माता जी, मेरे यकीन कीजिए। पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। पापा, पापा प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा, पापा प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना। पापा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे लेके चलिए। पापा, बेटा तुम घबराओ मत, हम कुछ करते हैं, हमको पता है तुम निर्दोष हो, तुमको हम जेल नहीं जाने देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो, पर हाँ अगर आप किसी के दबाव में आके या प्रभाव में आके ये सब कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, हमें भी पुलिस महानिदेशालय का रास्ता पता है, आप हमारी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। श्वेता हमारा यकीन करो, हम बहुत जल्द आकर तुमको यहाँ से ले जाएंगे, वादा है हमारा तुमसे, अपना ख्याल रखना। आंटी जी मत जाइए, मुझे ले चलिए यहाँ से, आंटी जी प्लीज, आंटी जी।
आप यहाँ हैं? हम आपको थाने के अंदर ढूंढने जा रहे थे। इतना टेंशन में काहे दिखाई दे रहे हैं? क्या बात हो गया? क्या बताएं श्यामू, सारी बातें श्वेता के खिलाफ जा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा श्यामू, कैसे ठीक हो जाएगा? एक मुसीबत जा नहीं रही है कि दूसरी मुसीबत पहले से ही आके खड़ी हो जा रही है। अभी बाबूजी ठीक ही हो रहे थे कि ये सब हो गया। अब पता चल रहा है कि बाबूजी को किसी ने मरवाने की कोशिश की थी और आरोप श्वेता पे लग रहा है। भरोसा ही टूट रहा है श्यामू, सब पर से भरोसा टूट रहा है। भैया जी, हमरा बात मानिए तो पुलिस को फिलहाल उसका काम करने दीजिए। अगर श्वेता कुछ नहीं की है तो उसको कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए घरे चलते हैं। नारायण खानदान के नाक का सवाल है। श्वेता चाहे दोषी हो चाहे ना हो, हम उसको छुड़ा के रहेंगे। आज तक नारायण खानदान की बहू बेटी जेल तो कहा, थाने का भी मुंह नहीं देखी, लेकिन आज आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। और जो कोई भी हमारी इस प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले हम श्वेता को छुड़ाकर घर लेकर आएंगे। आप चिंता मत कीजिए, श्वेता को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। पर इस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। बलदेव, ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, संभालो अपने आप को। इतने नाटों से पहली बच्ची जिसकी एक छींक पर मैं डॉक्टरों की लाइन लगा देता था, आज वो इतनी तकलीफ में और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। बलदेव, हम हैं ना, चिंता काहे करते हो? हम कोनो ना कोनो उपाय जरूर निकाल लेंगे। लेकिन दीदी, उपाय कैसे निकाल सकते हैं? वो पुलिस वाला मानेगा तब ना। वो तो श्वेता को कोर्ट में पेश करने का बात कर रहा था। अरे पेश करने से क्या होता है, उसको सजा थोड़ी होगा। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर से श्वेता को पहले ही निकाल लेंगे। लेकिन दीदी, इसके पहले उस सबूत और वीरू का कुछ करना होगा। कहे कि कोर्ट के हाथ अगर सबूत लग गया और वीरू श्वेता के खिलाफ गवाही दे दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तुम लोगों का सोच जहाँ पे खत्म होता है ना, नीला देवी का सोच वहां से शुरू होता है। हम जड़ पर वार करेंगे, सबूत और गवाह दोनों कोर्ट में पेश होंगे, लेकिन श्वेता के विपक्ष में नहीं, श्वेता के पक्ष में। बलदेव, बड़े से बड़ा वकील को हायर करो, और अगर जरूरत पड़े ना तो दरोगा का हम पूरा थाना खरीद लेंगे। प्रणाम मालकिन। प्रणाम, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए। पंडित जी, हमको इस समय कानूनी सहायता के साथ साथ दैवीय शक्ति का साथ का भी जरूरत है। हम श्वेता का कुंडली देखकर आपको कुछ गणना करने को कहे थे, आप किए कि नहीं? हाँ मालकिन, हमने देख लिए हैं।
श्वेता की गृह दशा बहुत ही खराब चल रही है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मुझे कहते हुए बहुत ही खेद हो रहा है। श्वेता की कुंडली में जेल जाने का योग बन रहा है। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? यहाँ हम श्वेता को जेल से बचाने का बात कर रहे हैं और आप है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ग्रहों की चाल बोल रही है। पंडित जी, कोनो ऐसा उपाय नहीं है का जिससे श्वेता को इतना तकलीफ ना झेलना पड़े और उसका ग्रह दशा शांत हो जाए? है ना मालकिन, श्वेता के कोर्ट जाने से पहले ग्रहों की शांति के लिए पूजा करानी पड़ेगी। ग्रह शांत हो गए तो श्वेता की रिहाई जल्द हो सकती है। तो देर किस बात की, करवाइए पूजा शुरू। जी मालकिन। लेकिन दीदी वो इंस्पेक्टर, तुम एक काम करो बलदेव, तुम जाओ और जाके वकील और इंस्पेक्टर से बात करो। हो सकता है कि पूजा के असर से वो दरोगा काबू में आ जाए। ठीक है दीदी, चलिए पुजारी जी। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। सलाम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक जरूरी बात करना था। क्या बात है, कहिए। ये श्वेता के पापा हैं, ये यहाँ के बहुत ही नामचीन और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। जानता हूँ, आगे बोलिए। मुझे यकीन है कि इनकी इमेज को खराब करने के लिए कोई साजिश कर रहा है। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि श्वेता निर्दोष है। कौन निर्दोष है और कौन दोषी, इसका फैसला कोर्ट में होगा। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ अपना समय बर्बाद ना करें, जाइए और जाकर अपने केस को मजबूत बनाने की तैयारी कीजिए। सर, श्वेता अगर एक बार जेल चली गई ना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी और इस कलंक के साथ वो जीवित नहीं रह पाएगी। अब मेरे घर परिवार की प्रतिष्ठा और बेटी की जीवन सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सर प्लीज, आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। सर, इंसान ही एक दूसरे की मदद करता है, आप हमारी करिए और हम आपकी करेंगे। हम क्या कर रहे हैं आप समझ गए ना? अब जो भी समझना समझाना होगा कोर्ट में होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। वकील साहब, अभी हमारी मदद हरगिज नहीं करेगा, लेकिन आप तो कह रहे थे आपके ये बड़ा भरोसे वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी बेटी अब लॉकअप से निकल ही नहीं पाएगी। सच कहिए तो मुझे ये चिंता सताने लगी है कि मेरी बेटी को कहीं जेल ना हो जाए। अरे सर, आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम हैं ना, आप जो है ना, पहले उसको कोर्ट में पेश करते हैं, हम उसको सजा नहीं होने देंगे। और देखिए, आप निश्चिंत होकर घर चलिए, हम सब संभाल लेंगे। आइए। अभी मालकिन पूजा समाप्त हुआ, अभी हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। पूजा तो हो गया दीदी, फिर आप क्या सोच रही हैं? यह सोच रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो आगे क्या करेंगे। हमको श्वेता को बाइज्जत बरी कराना है, नहीं तो माधव की नजर में उसका खोया हुआ इज्जत वापस लौट कर नहीं आएगा।